देखिए, जेई मेन्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है और ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टैटिक फ्लूइड। यदि किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है तो उसकी बेसिकली उसके पास कौन सी एनर्जी है, जो उस कंटेनर में जो फ्लूइड भरा है उसके पास जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो रुका हुआ है बेसिकली, है ना। और इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं पावर प्लांट में। हम बेसिकली जो डैम बना के हम पानी को स्टोर करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बहुत हाई करते हैं, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर हम यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद, जिससे हम टरबाइन को चलाने में उसको यूज़ में लेते हैं। तो वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी ही काम आती है, ठीक है, उसी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। खैर देखिए, इसको अपन पढ़ते हैं सवाल को और कोशिश करते हैं इसका आंसर निकालने का कि इफ आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स आर केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड ईच कंटेन्स द सेम लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी डी है? द एरिया ऑफ द बेस ऑफ बोथ द वेसल्स इज एस, बट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल्स इज x1 एंड इन द अदर इज x2, ठीक है। When both cylinders are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, ठीक है, the liquid flows from one vessel to other until it comes to an equilibrium at a new height, ठीक है, the change in energy of the system in the process is, ठीक है। देखिए, तो दो सिमिलर कंटेनर हैं जो यहाँ पे इस तरीके से हैं, इस तरीके से कंटेनर है एक जैसे ही है, और उनको बॉटम से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। मान लीजिए किसी एक कंटेनर पे पानी जो है वो यहां तक भरा हुआ है और दूसरे कंटेनर में पानी जो है वो यहां तक भरा हुआ है। मान लीजिए कि इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है और इस कंटेनर में, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है। मान लीजिए कि यह हाइट और ये हाइट दूसरे कंटेनर में, ये हाइट है मान लीजिए x2 और ये हाइट है मान लीजिए x1, ठीक है। तो यह आपको बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में, और इनका जो बेस है, ये जो बेस है, इस बेस का जो एरिया है, इस बेस का दोनों के सिलेंडर के बेस का जो एरिया है, एरिया उसको एस बोला गया, और इस बेस का भी जो एरिया है वो कितना है, एस है, ठीक है। व्हेन बोथ द सिलेंडर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ पाइप ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम वेरी क्लोज टू द बॉटम द लिक्विड फ्लोस फ्रॉम वन वेसल टू द अदर अंटिल कम्स टू एन इक्विलिब्रियम। इसमें से पानी फ्लो होने लगेगा, इस तरफ पानी फ्लो होने लगेगा, इस कंटेनर में आएगा, और वो तब तक आएगा जब तक कि एक कॉमन हाइट तक नहीं पहुंच जाता, दोनों कंटेनर में कॉमन हाइट नहीं पहुंच जाता। मान लेते हैं कि जो कॉमन हाइट है ये है xf, मान लेते हैं अपन कि जो कॉमन हाइट है, दिस कॉमन हाइट, जो कॉमन हाइट है, मान लेते हैं कि कॉमन हाइट कितनी है, xf है, ये कॉमन हाइट है xf, ठीक है। तो हमें बेसिकली बताना क्या है, द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला गया चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस, किस प्रोसेस में इस सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया। तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो पहले की कितनी है, इनिशियल सिस्टम एनर्जी इनिशियली कितनी थी, तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये पानी रेस्ट पे आप मान सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कि अगर मुझे यू आई लिखना हो सिस्टम के लिए, तो मैं लिखूंगा कि इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके लिए ही मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है रो ए जी, मतलब एस इंटू जी एक्स वन स्क्वायर बाई टू, प्लस दूसरे कॉलम में जो है वो रो एस जी एक्स टू स्क्वायर बाई टू, ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। और बाद में जब ये कि कॉमन कॉमन हाइट तक पानी भर जाएगा, तो जो बाद की पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, वो होगी टू टाइम्स रो जी
एक्स एफ स्क्वायर बाई टू, टू टाइम्स ऑफ रो जी एक्स एफ स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई दिस एस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस टू से ये टू जनरली कट जाएगा, इस टू से ये टू, ये टू टाइम्स क्यों किया, क्योंकि एक इस सिलेंडर के लिए, इस कंटेनर के लिए, और दूसरा इस वाले कंटेनर के लिए, दो अलग अलग कंटेनर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिकली चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी होगा डेल्टा यू, मतलब कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सिंपल। तो आप इसको लिख सकते हो कि यू फाइनल कितना है आपका, रो जी एस, रो जी एस देखिए सब जगह से कॉमन है, रो जी एस। तो यहाँ से आपने लिख लिया रो जी एस को बाहर ले लिया, और यहाँ पे आया एक्स एफ का स्क्वायर माइनस, अब ये इनको आप जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स वन स्क्वायर बाई टू एंड एक्स टू स्क्वायर बाई बाई टू, एक्स टू स्क्वायर बाई टू की जो वॉल्यूम है बिफोर एंड वॉल्यूम जो है आफ्टर वो सेम रहेगा। तो पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा। तो पहले का वॉल्यूम कितना था, पहले का वॉल्यूम है एरिया इंटू एक्स वन, एरिया दैट इज एक्स इंटू एक्स वन प्लस एस इंटू एक्स टू इक्वल्स टू, बाद का वॉल्यूम कितना है, टू टाइम्स ऑफ एस इंटू एक्स एफ। तो एस 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 कट जाएगा, यहाँ से एक्स एफ की वैल्यू आएगी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। इसको आपको रिप्लेस करना है यहाँ, जब आप इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपको वैल्यू आएगी डेल्टा यू की, आपको वैल्यू मिलेगी रो जी एस इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू स्क्वायर बाई टू। इसको यहाँ से लिखा जा सकता है रो जी एस, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स वन स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स टू स्क्वायर बाई फोर प्लस टू एक्स वन एक्स टू बाई फोर माइनस, माइनस अपन इसको लिख सकते हैं एक्स वन स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू स्क्वायर बाई टू। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसका ये सीधा सीधा हाफ है। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो कि रो जी एस, आप चाहो तो वन बाई फोर को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, माइनस को भी अपन बाहर ले लेते तो यहाँ पे बचेगा एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू। ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये एक्सप्रेशन है माइनस रो जी एस बाई फोर, और ये है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। यही बेसिकली आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी आप ऑप्शंस को यदि देखें तो यहाँ पे वन बाई फोर रो जी एस है, रो की जगह डी की जगह अपन ने क्या ले लिया है, रो ले लिया है। तो आप रो ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। इसके लिए आपको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि आपको पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से लिखनी है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जिसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से, अपन किसी कंटेनर में यदि पानी भरा हुआ है और वो पानी रुका हुआ है, वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि मूविंग फ्लूड की पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, अलग तरीके से लिखी जाती है, जो कि बर्नौली इक्वेशन से लिखी जाती है। बट ये रुका हुआ पानी है, ये एक स्टेशनरी फ्लूड है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी इसी तरीके से अपन लिखेंगे। थैंक यू सो मच।